Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today, we are here with doing a one-shot session for the chapter, The Making of a Global World. So, The Making of Global World, आज हम one-shot session करने वाले हैं. As per CBSE, board exam में, this chapter only 1 to 1.3 तक के subtopics आने वाले हैं. So, I am doing a one-shot session because यही most of the schools में यही आ रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट बोर्ड एग्जाम में भी बस इतने ही टॉपिक्स आने वाले हैं, द फर्स्ट थ्री टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर. सो आज हम वही कर लेते हैं. इफ इन केस आई सी दैट मैनी ऑफ यू गाइज आर हैविंग द फुल चैप्टर, देन आई कम अप विद द फुल चैप्टर चैप्टर्स एज वेल. फॉर नाउ एज पर बोर्ड एग्जाम्स जो सिलेबस है वी आर गोइंग एज पर दैट. So without wasting any further time, let us begin with the making of a global world. Make sure to like the video, share with your friends and what? Subscribe the channel right away. तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिल्क रूट्स, फूड ट्रैवल्स, स्पेगेटी और पटैटो के the things which we eat very, you know, frequently, and we'll talk about the conquest, trade and disease. So let us begin with the pre-modern world. Hum log pre-modern world kis time ko bol rahe hain? Currently jo hamare world hai, we are in the modern world, aren't we? Yes, we are in the modern world. Pre-modern world refers to many bahut 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 saal pehle ki baat kar rahe hain. Right, we are talking about like 1 BCE, we are talking about 2 BCE, anno domini hai na, aur ADs mein hum baat kar rahe hain. We are going very aise nahi 5-6 saal pehle pre modern world. No, that is also modern world. Okay, so pre modern world mein what was the situation of the world? Jaise hum bole last 50 years pichle 50 saal le lo, when we talk about globalization, we refer to economic system that has emerged. हम लोग globalization की बात करें क्योंकि terms अभी अभी बने, economy बड़ी होती गई, globalization हुआ. But इस globalization को नाम हमने अभी दिया, but it was practiced way before as well. इसकी एक बहुत ही लंबी history है. Trade करना, trade तो पहले भी होता था. माइग्रेशन करना, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाना, इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब पहले से ही एक्सचेंज होता था. इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट इज ग्लोबलाइजेशन, जो हमने अभी अभी उसको एक नाम दिया है. बट सिंस द एंशिएंट हिस्ट्री दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से फेस से ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बनी. हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन emerge after phases and phases, right? जैसे ancient times में हमारे पास travelers होते थे, traders होते थे, priest, pilgrims, मतलब जो you know religiously जाते थे, बहुत दूर दूर जाते थे. अब जहाँ जहाँ जाते थे वो अपनी knowledge बांटते थे, spiritual fulfillment देते थे, या तो फिर कोई अगर उनको मारना चाह रहा हो तो उधर से भाग जाते थे, isn't it? अब let me give you an example. You are at your home, ठीक है, और अभी आपको जाना है एक पिकनिक में. You are going for a picnic for let's say 10 days के लिए आप किधर पिकनिक घूमने जा रहे हो, ठीक है. Now when you go from home to picnic, what all things will you carry? You'll make a list ना कि हाँ हमको clothes लेने हैं, हाँ हमको खाना लेना है, फूड लेना, ये सारी चीजें लेनी है, isn't it? करेक्ट. सिमिलरली ड्यूरिंग दिस टाइम जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो अपने साथ पैसे, वैल्यूज, स्किल्स, इन्वेंशंस, इवन जर्म्स एंड डिजीजेस को भी कैरी करते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, कोई दूसरा अपने घर से आया पिकनिक में और उसमें उसको सर्दी खांसी, अब उसके साथ ही हूँ तो आपको भी हो जाएगा. Infections is also carried. So when we talk about like 3000 BCE, during that time an active coastal trade linked in the Indus Valley civilization, jo abhi hai hamara Asia,
वेस्ट एशिया में बहुत ही एक्टिव सिविलाइजेशन के उसमें ट्रेड प्रैक्टिस किया जाता था, राइट। देन फॉर मोर देन अ मिलेनिया, मिलेनियम, थाउजेंड ईयर्स, कौड़ीज, कौड़ीज होते हैं ना, यू माइट हैव ऑल नो, द हिंदी कौड़ी और द सी शेल्स, इसको हम यूज करते करेंसी। सिंस द सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से हमारे थोड़ी ना नोट्स कॉइन्स आने लगे, नहीं, हमारे पास हम लोग बेसिक चीज़ें यूज़ करते थे। बिफोर दिस वी हैड द बार्टर सिस्टम, है ना। फ्रॉम द मालदीव्स उनको अपनी कौड़ीज को मिले थे, बिकॉज मालदीव्स इज आईलैंड, करेक्ट। सो दे फाउंड अ वे टू चाइना, ईस्ट अफ्रीका, एंड लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड। तो डिजीज जब लोग इधर से उधर जाने लगे, ऑब्वियसली नो वन वॉज दैट हेल्दी ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना, सबके ऐसे इम्यूनिटी तो थी नहीं। सो वो इधर से उधर जाते थे, अलॉन्ग विद दे कैरिड जर्म्स, बट दे ऑल्सो कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, जो दूसरों को पता नहीं थी। करेक्ट। नाउ इफ आई गिव ए एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ पिकनिक, लेट अस से यू आर गोइंग समवेयर अब्रॉड, यू आर गोइंग समवेयर अब्रॉड, अगर आप कभी अब्रॉड जाओगे, सो यू विल टेक फूड, इफ यू डोंट टेक फूड, लेट से यू आर गोइंग एंड स्टेइंग देयर, उधर ही रह जाते हो सिटीजन, सो आप उधर अपना खाना बनाओगे, उधर तो ना उधर का खाना खाने जाओगे, अपने घर पे भी तो खाना बनाओगे ना, आप अपना इंडियन खाना, इजंट इट। सो व्हेन अदर पीपल सी एट यू, दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा आपकी करेंसी क्या थी, अच्छा रुपीज है, आप ऐसे कपड़े पहनते हो, कुर्ता पैजामा होता है, ओके फाइन। तो दूसरों को भी पता चलता है, दे आर ऑल्सो एक्नॉलेज्ड अबाउट आर कल्चर, हेरिटेज एंड एवरीथिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन सच रूट, दैट वॉज द सिल्क रूट। रूट मतलब किधर से किधर का रास्ता, है ना, सिल्क रूट, वॉट वॉज दैट, लेट अस अंडरस्टैंड। सिल्क रूट जो था, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स, ठीक है, बिटवीन द वर्ल्ड्स, ठीक है। वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिल्क रूट बना था बिकॉज इट वॉज अ गुड थिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड कल्चर्स। वॉट हैपन, अब ये सिल्क रूट क्यों था नाम इसका, द नेम वॉज सिल्क रूट बिकॉज इट शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। उस टाइम पे चाइना का सिल्क वॉज अ वेरी वेरी फेमस थिंग, ठीक है, बहुत महंगा और बहुत अच्छा होता था ना, आई गेस नॉट महंगा, इट वुड बी लाइक ओके लेट्स लीव द कॉस्ट, बट इट वॉज वेरी फेमस, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉन्टेड इट, सो दे ऑर्डर द चाइनीज सिल्क, और जहाँ जहाँ पे भी ये गया वहाँ ट्रेड्स के रूट्स बनते गए, एंड दैट इन टोटल बिगेन एज द सिल्क रूट। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स, लैंड से भी, सी से भी, करेक्ट। अब कौन सी कंट्रीज होती, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों कंट्रीज कनेक्टेड थे थ्रू द, सॉरी कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे थ्रू द सिल्क रूट। और ये कहाँ एग्जिस्ट कर, इट एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिश्चियन एरा ऑल्सो, सीई से भी पहले तक था ये, एंड इट थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट वॉज इन एग्जिस्टेंस। अलॉन्ग विद दिस सिल्क, सिर्फ और सिर्फ सिल्क नहीं, बट ऑल्सो चाइनीज पॉटरी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, चाइनीज पॉटरी भी ट्रैवल की गई थी हमारे इंडिया से। वी हैड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस बिकॉज वी वर रिच इन दैट, एंड और इन रिटर्न हमको क्या मिलता था, अभी हमको तो पता, हाँ उस टाइम पे तो पैसे तो करेंसी होते नहीं थे, है ना। सो वी यूज टू गेट गोल्ड एंड सिल्वर जो यूरोप से एशिया के पास आया, बिकॉज ऑफ देखो स्पाइसेस, सिल्क, पॉटरी, ये सब इंडिया और चाइना के पास था, यूरोप के पास नहीं था। यूरोप के पास क्या था, पैसे थे, गोल्ड सिल्वर था, तो उन्होंने लगे हम आपको गोल्ड सिल्वर देते हैं, आप हमको ये स्पाइसेस और ये सब दे दो, राइट। सो लुक ओवर हियर, दिस इज योर एंटायर रूट्स, सिल्क रूट्स। द ब्लू वन इंडिकेट्स योर सी एंड द रेड वन इंडिकेट्स योर लैंड के सिल्क रूट्स, ओके। सो चाइना, जावा, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, सोमालिया, इजिप्ट, यूरोप, हर जगह, ये दिस इज योर अफ्रीका का रीजन, करेक्ट,
अफ्रीका रीजन दिस इज, देन वॉट एल्स वी हैव योर यूरोप, दिस इज आर एशिया, है ना. सो ऑल ऑफ दिस वॉज कनेक्टेड. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस मैप, बट येस डू रिमेंबर वॉट इज सिल्क रूट. नाउ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी हैंड इन हैंड चलते थे. अब ट्रेडिंग हो रही है, लोग जा रहे हैं, थोड़ी ना वो लोग अमेजोन से मंगाते थे इंटरनेशनल, नहीं, दे लोग जाते होंगे देने के लिए, राइट. सो वो अपना कल्चर भी लेके जाते थे. अर्लियर क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया, और मुस्लिम प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सब भी एशिया में आ गए थे. मच बिफोर ऑल दिस, बुद्धिज्म एमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न साइड से, मतलब आसाम मेघालय उस साइड से, देर वर बुद्धिज्म एमर्जिंग एंड सेवरल डायरेक्शन थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन सिल्क रूट. अब हम बात करते हैं फूड की. फूड की देर इज नथिंग अम्यूजिंग इन इट, बिकॉज लोग जा रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, मतलब थ्रू द सिल्क रूट पीपल ऑल्सो ट्रैवल फॉर ट्रेड, सो ऑब्वियसली वो अपना खाना लेके जाएंगे, इजंट इट. नाउ लेट्स से इफ आई एज अ गिवन एग्जाम्पल इन द बिगनिंग, अगर आप कहीं अब्रॉड जा रहे हो, राइट, और लेट्स से यू आर ऑन अ ट्रिप फॉर फ्यू डेज, तो आप ऑब्वियसली अपना घर का खाना ही लेके जाओगे, राइट. यू विल टेक इट, येस और नो? येस यू विल टेक इट. सो पीपल ऑल्सो यूज इट, बिकॉज ऑफ द उस टाइम होटल्स तो होते नहीं थे, तो लोगों का अपना खाना लेके जाना पड़ता था. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेगेटी एंड पटेटोस, लेट्स सी. सो हमारे यमी यमी स्पेगेटी की क्या हिस्ट्री है, लेट अस अंडरस्टैंड. फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस. लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कल्चर एक्सचेंज होता था, फूड वॉज द मेजर बेनिफैक्टर. ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, ये लोग न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते थे, ऑब्वियस सी बात है. अब लोगों को दूर के देश में, जैसे दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी, अभी कोई जन इधर से उधर या इधर से उधर जाए, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि क्या है कंट्री में, क्या फेमस है, क्या कुछ है ना. Until and unless they won't understand, other people won't know what is the situation, isn't it? So, what happened was, ready-made foodstuff was also shared. So let's understand about spaghetti and noodles. So spaghetti का क्या है? It is believed that noodles traveled west from China. तो basically ये चाइना से फूड गया था टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेगेटी. एंड येट वी से इट इज इटालियन. वाई? देखो, अरब ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने 5th सेंचुरी में पास्ता ले लिया था, उन्होंने पास्ता लिया था फ्रॉम दिस वेस्ट में, स्पेगेटी से, स्पेगेटी नूडल्स में से पास्ता लिया था. और फिर उन्होंने एक आइलैंड में, सॉरी, हाँ, आइलैंड में, जो इटली में, सिशिली करके, ठीक है, उधर जाके उन्होंने दिखाया था. सो वॉट हैपेंड, उधर के लोग पागल हो गए, अरे वाह क्या मस्त चीज़ है, हम तो यही खाएंगे हर दिन सुबह शाम. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन दैट स्पेगेटी, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब इटालियन डिशेज है, बिकॉज एक्चुअली वो चाइना से आई थी, बट इटली के लोग इसको बहुत ही हाई अमाउंट में कंज्यूम करना चालू कर गए. तो दैट इज़ अ फूड ट्रैवल्स. वॉट अबाउट पटेटोज? अब देखो, कॉमन फूड जो भी हम हर ऑलमोस्ट हर दिन ही खाते होंगे, पटैटोज, सोयाबीन्स, ग्राउंड नट्स, मेस, टमाटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, ये सब तो था ना, हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं था. ऑलमोस्ट 5 सेंचुरीज अगो, हम पता नहीं था ये सब क्या होते हैं. वाई? लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. आपने अपने छोटे ग्रेज में भी पढ़ा होगा दैट अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, और यू कैन से एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस. सो यूरोप और एशिया को ये सारी चीज़ों का कुछ पता नहीं था, बट वेन क्रिस्टोफर कोलम्बस एक्सीडेंटली, वो जब रूट केप ऑफ गुड हॉर्न था आई गेस, हाँ, उधर से जब वो पास कर रहे थे, तब उसको उनको अचानक से अमेरिका दिखा था. अमेरिका एग्जिस्ट करता था, बस उन्होंने ढूंढ निकाला वो, ठीक है, और एक वास्ट कॉन्टिनेंट जो था उसको अमेरिका बोला गया. सो अमेरिका से पटेटोज
पटाटो, सोया, ग्राउंडनट, ये सब हमको अमेरिका से मिलता है, जो हमको पहले कभी पता ही नहीं था। इफ वी नेवर नी अमेरिका, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में होती ही नहीं। सो वॉट हैपन, जब क्रिस्टोफर कोलम्बस ने अरे वाह क्या क्या चीज़ें, और लोगों को बोला कि आओ इधर आओ, ये देखो ये सब बहुत सारी चीज़ें, न्यू न्यू क्रॉप्स इनको लेके जाओ, बट ये क्रॉप्स लाइफ और डेथ सिचुएशन में आ गए। बिकॉज पटाटो में क्या था, हम्बल पटाटो क्यों बोलते हैं इसको, हम्बल पटाटो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज चीप, है ना, चीप था, इजी टू ग्रो है, उसमें बड्स आ जाते, उसको काट के उगा दो, उसके बाद न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी भी होते हैं। सो जो पुअर लोग बोलते हैं, वो बोल रहे थे हम तो हर दिन ही पटाटोस खाएंगे, हर दिन पटाटोस खाएंगे हम, सुबह पटाटो, शाम को पटाटो, रात को पटाटो, हर दिन पटाटो ही पटाटो, बस वो आलूओं के ऊपर ही पागल हो चुके थे। अब क्या हुआ, आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पेजेंट्स थे वो इतने डिपेंडेंट हो गए थे पटाटोस पे, बिकॉज इन मिड 1840s डिजीज आ गई थी और सारे पटाटो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब उनकी डिपेंडेंस इतनी पड़ गई थी पटाटो के लिए कि वो खुद लोग मर गए कि हमको पटाटो नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं खा रहे, तो वो खुद ही मर गए। थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ डाइड ऑफ स्टारवेशन बिकॉज पटाटो ही नहीं था। सो पटाटो मेड सच ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब हम बात करते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड, डिजीज एंड ट्रेड। देखो अब क्या हुआ, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड द सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो क्रॉस्ड द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। अमेरिका एशिया का रूट मिल गया हमको। सेंचुरीज बिफोर इंडियन ओशन में क्या था, वी हैड बसलिंग ट्रेड्स, गुड्स, पीपल, नॉलेज, सबका इधर से उधर ट्रेड होता रहता था। ओके ट्रेड होता रहता था, वाई, बिकॉज वी वर द गोल्डन बर्ड, सोन चिड़िया थे हम, है ना। सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोस, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो बीच में आता था सारे नेटवर्क्स का। एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपैंड एंड रीडायरेक्ट सम ऑफ दिस फ्लोस टूवर्ड्स यूरोप ऑल्सो। जब यूरोपियंस आए उसके बाद बर्बादी कर दी उन्होंने, बट जब वो आए तो हमारा वो बड़ा, उन वो लोग क्यों आए थे, एज यू नो इट वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट्स वाई वी ऑल्सो गॉट द नेम एज इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के आए थे कि हम ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, राइट। सो दैट हैपन्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, वो बहुत ही अलग हो गया था, बिकॉज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स हमको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता है अमेरिका करके कोई जगह, है ना। बट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द वास्ट लैंड, अबंडेंट क्रॉप्स, मिनरल्स, ये सारी जगह पता चलने लगे कि अमेरिका बहुत ही रिच है। सो क्या हुआ, प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर फ्रॉम माइन्स लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको वॉज ऑल्सो एनहांस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। उधर से हमको पेरू मैक्सिको जो अमेरिका में हमको मिला कि अरे बाप रे सिल्वर मिल रहे है, गोल्ड मिल रहे है, ये सब मिल रहा है, तो यूरोप ने तो लालच चालू कर दिया, भाई चलो अब तो ये इसको ही अमेरिका को ही अपने अंदर लेने। सो लेजेंड स्प्रेड, ऐसी बातें फैली थी कि साउथ अमेरिका में एक जगह है एल्डोराडो, दैट इज अ सिटी ऑफ गोल्ड, दैट इज अ सिटी ऑफ गोल्ड ऐसा बोला जाता, तो बहुत सारे लोग गए ढूंढने कि किधर है एल्डोराडो सिटी ऑफ गोल्ड, बट नथिंग एज सच आई गेस वॉज फाउंड। डू अ रिसर्च वर्क एंड लेट मी नो। नेक्स्ट, अब जो पोर्चुगीज और स्पैनिश के कॉन्करर्स थे, कोलोनाइजर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अमेरिका इतना रिच है तो क्यों ना हम इसको अपने अंदर ले लें, हम भी बहुत रिच हो जाएंगे उनके रिसोर्सेस से। सो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, उन्होंने ये सब यूज नहीं किया, दे वर वेरी स्मार्ट। ऑल दो अमेरिका बहुत ही हमारे से अलग था, इट वॉज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल यूरोपियंस ने कुछ फायर पावर, ये लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया। इफ दे डिड नॉट यूज वेपन्स तो उन्होंने क्या किया, दे यूज द मेथड ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। सो उन्होंने क्या किया,
जो स्पेनिश कॉन्करर्स गए वहां पे, उन वो लोग कोई मिलिट्री वेपन लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करने गए। कुछ लोग गए और उनके अंदर था स्मॉल पॉक्स, अ वेरी डेडली जो। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन शॉर्ट स्टोरी एग्जाम्पल। लेट अस से अ वेरी रिसेंट, नन ऑफ यू माइट हैव फॉरगॉटन, COVID-19 के बारे में। नाउ एज यू नो, COVID-19 चाइना से स्प्रेड हुआ, चाइना से स्प्रेड हुआ हुआ हमारे दूसरे कंट्रीज में आया। वाई? बिकॉज पीपल चाइना से इधर आए, इधर से उधर आए, है ना? सो इट वॉज स्प्रेड। नाउ लेट अस से वी हैव अ फ्यू कंट्रीज, वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव सी। ठीक है, सो जो सी है, यहाँ पे है जर्म्स, इधर के लोग गए बी को, बी को भी इन्फेक्ट कर दिया। अब बी के लोग आए ए को, ए को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। वाई? बिकॉज ए के पास इम्यूनिटी थी, उनके पास इम्यूनिटी थी तो वो इफेक्ट नहीं हो पाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डी, जो इन सब से बहुत दूर था, कुछ अता पता नहीं। तो अगर सी या बी डी के पास जाए तो ऑब्वियसली उसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? सेम एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका इतने लंबे समय तक एक आइसोलेशन में था, हमको पता ही नहीं था, ना उनको पता था इधर कुछ हो रहा है, राइट? सो दे वर अनअवेयर ऑफ स्मॉल पॉक्स, ने ये पॉक्स वो पॉक्स, उनको कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में। और दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस। ये डिजीजेस जो यूरोप से आई, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं था। तो स्मॉल पॉक्स और जर्म्स आए नहीं, लोग मरना चालू, बिकॉज उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी। अब आपको कोई भी डिजीज की इम्यूनिटी, ऑब्वियसली इट वॉन्ट अफेक्ट यू एनी मोर, राइट? सॉरी। तो दैट इज द रीजन, सो दैट इज द थिंग, वॉट वॉज द बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब लास्ट पार्ट है, हम लोग कंटिन्यू करें, ऑलमोस्ट द चैप्टर इज ओवर। अंटिल द 19th सेंचुरी, पावर्टी पॉवर्टी हंगर ये सब बहुत कॉमन होने लगे। यूरोप भी पॉवर्टी में चला गया था, डेडली डिजीजेस फैल रही थी, रिलीजन के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, है ना? जो डिसेंटर्स थे उनको परसिक्यूट कर रहे जा रहे थे, ये सब हो रहा था। तो लोगों ने बोला, अच्छा हमारे पास यूरोप तो इतने प्रॉब्लमेटिक हैं, क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि अरे वाह, हमारे पास तो अभी नया नया ऑल्टरनेटिव है, अमेरिका। उन्होंने बोला, अभी अमेरिका कुछ नहीं होता हमारे पास, तो यूरोप के शायद उधर ही रह के मर रहे होते हैं। बट उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो एक नई जगह हमको ढूंढ के मिली है, अमेरिका, चलो उधर ही चले जाते हैं। सो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो यूरोप से वो अमेरिका चले गए। वहाँ पे क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं हुआ। यार, बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशंस वर्क्ड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वेर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। यूरोप के मार्केट्स के लिए अफ्रीका से स्लेव ट्रेड जैसा चालू हुआ था, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में था। एंड अंटिल द 18th सेंचुरी, चाइना और इंडिया, हम दोनों, वी वर द मोस्ट वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, बहुत रिच थे हम लोग। बट अभी क्यों नहीं है? वॉट इज द रीजन कि अभी क्यों नहीं है? इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, है ना? उस टाइम थे तो अभी भी होने चाहिए। नाउ बोथ ऑफ अस, चाइना एंड इंडिया, वी ऑल हैड आर ओन रीजंस। 15th सेंचुरी से चाइना ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। चाइना वाला कोई कांटेक्ट नहीं होगा हमारे कंट्री में, कोई अंदर नहीं आएगा, हमारे कंट्री से बाहर कोई नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज पीपल थॉट दैट जस्ट लेट से, अगर आपके पास बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें, तो लोग आएंगे उसको तोड़ने के लिए, उसको खराब करने के लिए। सेम वॉज विद चाइना। चाइना में वो, चाइना बहुत रिच था, एज वेल एज इंडिया वॉज। आई इंडिया का आई टेल यू द केस, यू गाइज ऑल्सो नो द केस। चाइना में पीपल सेड दैट नो, हमारे कंट्री के अंदर कोई नहीं आएगा, बिकॉज अगर वो आ गए, या तो वो डिजीज फैलाएंगे, नहीं तो हंगर, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये सब तमाशे होंगे, तो रहन दो, जो हमारे अंदर है बस, और कोई अंदर बाहर कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। अब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कम कर दिया अपना, तो अमेरिका की इम्पोर्टेंस मोर बढ़ती गई, और सेंटर ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड, जो पूरी दुनिया का ट्रेड था, वो वेस्टवर्ड जाने लगा, और यूरोप आ गया एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड।
बट यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि चाइना के साथ साथ इंडिया भी तो था, इंडिया क्यों नहीं बना सेंटर? अब देखो, आफ्टर चाइना, व्हेन इट्स नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट आई विल टेल यू, चाइना के बाद व्हेन चाइना वाज डन, मतलब चाइना ने हम दरवाजे बंद कर दिए, इंडिया वाज स्टिल ओपन एंड यू नो हाउ द कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टेड, है ना? इंडिया ओपन था एंड ड्यू टू दैट हमारे यूरोपियर्स आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए क्या करके, वो भी तो ट्रेड करने के लिए आए थे ना, उन्होंने बोला कि हाँ हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने कैप्चर कर दिया। अब इतने साल लग गए इंडिपेंडेंस पाने के लिए, दीज मैनी ईयर्स वर स्पेंट फॉर इंडिपेंडेंस दैट उनको टाइम ही नहीं मिला ये वर्ल्ड ट्रेड ये सब सोचने का, बिकॉज अब यूरोप की कॉलोनी बन गई थी इंडिया, इन शॉर्ट इट वॉज अंडर यूरोप, सो यूरोप ने एक वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री अपने अंदर ले लिया, तो वो नहीं बन जाएगा वर्ल्ड रिचेस्ट, दैट्स वाई, एंड दैट्स वाई यूरोप बिकम एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ऑल राइट, सो दैट इज वॉट द चैप्टर वॉज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप ऑल ऑफ दिस वॉज क्लियर टू यू गाइज। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स इन केस, फील फ्री टू राइट डाउन टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली रिवर्ट बैक टू यू। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कॉमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डू सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे। आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन अ नेक्स्ट वीडियोज, टिल देन Stay tuned to the channel. Also, let me know which other chapters you want. I'll be seeing you in the next one. Till then, take care and bye bye.